हे गाइस, प्रोफेसर निधि त्रिवेदी हियर। और आज हम समझने वाले बच्चों डिफरेंस बिटवीन नोच एंड वियर। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बच्चों। नोच को समझने से पहले बच्चों समझ लो कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल टैंक है और जिसमें फ्लूड भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ पे वाटर है और मुझे यहाँ पे एक ओपनिंग प्रोवाइड करनी है, यानी कोई एक साइड पे ही होगी। और ये जो टैंक अभी आपको दिख रही है उसकी मैंने सिर्फ एक ही साइड आपको दिखाई है। तो अगर ये टैंक है उसको उसमें मुझे प्रोवाइड करनी है एक ओपनिंग, यानी जहाँ से पानी होके गुजरे, यानी समझ लो ऐसी कोई ओपनिंग जो मैंने यहाँ पे दिखाई है। यानी हम प्रोवाइड कर रहे हैं एक ओपनिंग जहाँ से होके पानी बाहर डिस्चार्ज होगा, समझ रहे हो बच्चों। तो ये नोच क्या होती है उसकी डेफिनेशन समझते हैं बच्चों। इट इज़ एन ओपनिंग, क्या होता है, कुछ नहीं होता, एक तरह की ओपनिंग होती है। ओपनिंग प्रोवाइडेड इन वन साइड, कोई एक ही साइड पे हो सकता है बच्चों, प्रोवाइडेड इन वन साइड ऑफ टैंक और वेसल। ओके, एक ओपनिंग होती है जो प्रोवाइड की जाती है किसी टैंक और वेसल में। कैसे? इन अ सच अ वे दैट दी वाटर लेवल ऑफ टैंक, वाटर लेवल यानी ये जो वाटर लेवल होगा बच्चों टैंक का वो कैसा होगा। द वाटर लेवल ऑफ टैंक इज बिलो टॉप एज ऑफ ओपनिंग, बिलो टॉप एज ऑफ ओपनिंग। यानी जो हमने यहाँ ओपनिंग प्रोवाइड किया है, यहाँ देख रहे हो ये एक ओपनिंग है तो उसकी टॉप एज ये होगी बच्चों, ये वाली। तो उससे तो वाटर क्या होगा, वाटर लेवल जो टैंक का हो वो नीचे ही रहेगा। बट ऑब्वियस बच्चों हमें मेज़र करना क्या है, ये नोच का यूज़ होता है बच्चों डिस्चार्ज मेज़रमेंट करने के लिए, समझ रहे हो। तो हमें तो मेज़र करना है डिस्चार्ज। अगर ये वाटर लेवल ज़्यादा होगा, अगर ये वाटर लेवल है उसकी ओपनिंग से भी ऊपर चला जाएगा, यानी ज़्यादा होगा वाटर लेवल, तो क्या होगा बच्चों, पानी वेस्ट होगा और टंकी से पानी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो फिर क्या हुआ, उसका कोई मतलब ही नहीं रहा ओपनिंग का। और हमें तो वैसे मेज़र भी करना क्या है बच्चों, डिस्चार्ज मेज़र करना है। तो ध्यान रखें जब भी आप डेफिनेशन लिखें तो ये लिखना ना भूले, इट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट द वाटर लेवल ऑफ टैंक इज बिलो टॉप एज ऑफ ओपनिंग। तो इसे बोलते हैं बच्चों नोच। और ये जो नोच है बच्चों बहुत ही छोटा डिस्चार्ज मेज़र करती है, यानी कि स्मॉल डिस्चार्ज मेज़र करती है। और किसका करती है बच्चों, टैंक और वेसल का, समझ रहे हो। या कोई आप स्मॉल चैनल ले लो, और स्मॉल चैनल कोई छोटी सी चैनल हो उसमें ही मेज़र कर सकता है। अभी ये जो ओपनिंग है बच्चों ये काफ़ी तरह की हो सकती है। यहाँ पे वी नोच मैंने दिखा है, ये रेक्टेंगल भी हो सकती है, ट्रायंगल भी हो सकती है, ट्रेपेजोडियल भी हो सकती है और स्टेप्ड नोच भी हो सकती है। आपकी जो लैब होगी ना बच्चों फ्लूइड मैकेनिक्स की, वहाँ आपको देखने को मिलेगी ये नोच। और ये नोच यूजुअली बच्चों कैसी होती है, मेटालिक प्लेट की बनी होती है। ये आपकी नोच माने ओपनिंग, नोच माने क्या होता है बच्चों, ओपनिंग, समझ रहे हो। अभी हमें समझना है वियर क्या होता है। तो वियर क्या होता है बच्चों, एक ऐसा कंस्ट्रक्शन या ऐसा कोई ऑब्स्ट्रक्शन, समझ रहे हो, इट इज़ अ स्ट्रक्चर और एनी काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइडेड इन रिवर और कैनाल और स्ट्रीम ओवर विच ये जो वियर है, यानी कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्शन कि जिसके ऊपर से होके पानी क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, ओवर अ विच वाटर फ्लो, तो उसको हम बोलेंगे बच्चों वियर। और वियर का एक अलग दूसरा भी काम होता है बच्चों, वो क्या कर सकता है, पानी इस अपस्ट्रीम साइड पे क्या कर सकता है, स्टोर वाटर ऑन इट्स अपस्ट्रीम साइड, समझ रहे हो बच्चों। तो दूसरा काम क्या होता है, ये पानी भी स्टोर करता है। और आप देख रहे हो जैसे कि यहाँ पे ये कहाँ पे कंस्ट्रक्ट होता है, कैनाल, रिवर और स्ट्रीम में, यानी कि ये क्या कर सकता है, ये लार्ज डिस्चार्ज मेज़र कर सकता है। कैसा, लार्ज डिस्चार्ज ऑफ कैनाल और रिवर, समझ रहे हो। तो ये लार्ज डिस्चार्ज मेज़र कर सकता है, ये स्मॉल डिस्चार्ज मेज़र कर सकता है। और ये बना था मेटालिक प्लेट का, और ये बनी हो सकता है किसका, आरसीसी और सीमेंट कंक्रीट, आरसीसी और
सीमेंट कंक्रीट का बना हो सकता है, समझ में आ रहा है बच्चों? अभी हमें मेन दो चीज, जो दो मेन टर्म है ना इसके, वो समझने हैं। फर्स्ट इज द सील और क्रेस्ट लेवल, सील और क्रेस्ट। अभी सील और क्रेस्ट किसे बोलते हैं बच्चों? तो बहुत छोटा सा डिफरेंस है दोनों में, चलो समझते हैं। फॉर अ नोच बच्चों, ये नोच के लिए सील और क्रेस्ट क्या होगा बच्चों? तो ये नोच है उसकी दो ही साइड हो सकती है, ये साइड्स होती है और बॉटम एज होती है, बॉटम एज और साइड्स। सो फॉर अ नोच द बॉटम एज, द बॉटम एज ऑफ नोच, यानी ये, क्योंकि ये वी नोच है तो यहाँ पे इसकी बॉटम एज, समझ रहे हो? तो द बॉटम एज ऑफ नोच ओवर थ्रू अ विच, सॉरी थ्रू अ विच, बॉटम एज ऑफ नोच थ्रू अ वे, बॉटम में लिखती हूँ यहाँ पे, बॉटम एज ऑफ नोच थ्रू विच वाटर फ्लो, थ्रू विच वाटर फ्लो इज नोन एज सील और क्रेस्ट। जबकि वियर के लिए क्या होता है बच्चों? वियर के लिए सील और क्रिस्ट लेवल क्या होगा, क्रेस्ट लेवल क्या होगा बच्चों? ये होगा, वो क्या है बच्चों? टॉप एज ऑफ वियर ओवर विच, यहाँ पे थ्रू था बच्चों, यहाँ से होके गुजरता, अंदर से होके, समझ रहे हो? यहाँ पे उसके ऊपर से होके, यहाँ पे उसके ऊपर से होके, यानी ये जो वियर है उसकी जो, उसका जो टॉप लेवल है उसके ऊपर से, यानी द टॉप एज ऑफ वियर, ये पूरा वियर है, तो द टॉप एज ऑफ वियर ओवर विच, ओवर विच वाटर फ्लो इज नोन एज वियर। जबकि नोच के लिए क्या था? द बॉटम एज ऑफ नोच थ्रू विच वाटर फ्लो इज नोन एज सील और क्रेस्ट। अभी दूसरा हमें समझना है, विच इज अ नेप और विन, नेप और विन, इसमें भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बच्चों। इट इज़ द शीट ऑफ फ्लोइंग वाटर, यानी कि ये ओपनिंग है तो यहाँ से कुछ ऐसे पानी जा रहा है, कुछ शीट फॉर्म होगा, समझ लो यहाँ पे ये कुछ शीट फॉर्म हो रही, समझ रहे हो? द शीट ऑफ फ्लोइंग वाटर थ्रू अ नोच और ओवर अ वियर, sheet of flowing water through a nose or over a weir is known as a nap or vein. I hope बच्चों आपको ये difference में समझ में आया। पहले हमने जानी definition, फिर जाना ये बना metallic plate का, ये बना RCC और cement concrete का, फिर हमने क्या देखा बच्चों? हमने और ये देखा कि crest level किसे बोलते हैं और nap और vein किसे कहते हैं, और फिर हमने देखा ये जो नोच होता है बच्चों, इसमें बड़ा डिफरेंस यही है कि ये स्मॉल डिस्चार्ज मेजर करता है और ये लार्ज डिस्चार्ज मेजर करता है। आई होप बच्चों आपको ये जो डिफरेंस है वो समझ में आया। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।